हेलो गाइज, आज मैं आपको प्लाजो पैंट कटिंग सिखाऊंगी बिल्कुल इजी तरीके से। खासकर ये पैंट मैं उनके लिए सिखाती हूँ जो बिगनर्स हैं, जो ये सोचते हैं कि मतलब हमें पैंट पे कटिंग बहुत ही मुश्किल लगती है, तो उनको बता रही हूँ मैं पैंट कटिंग बहुत ही आसान है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसका मेजरमेंट। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी कई प्यारी सिस्टर्स हैं वो ये सोचती हैं कि जो प्लाजो पैंट का कपड़ा है वो अलग ही आता है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जो हमें सूट के साथ जो कपड़ा सलवार का आता है उसकी हम पैंट कटिंग कर सकते हैं, उसको पैंट बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। हम लेंथ लेंगे, सबसे पहले ऊपर से एक इंच घटा के इंची टेप को हम एक इंच ऊपर निकाल देंगे, और एक इंच ऊपर निकाल कर हमने जितनी इसकी लेंथ होती है उतनी लेंथ तैयार रखनी है। इसकी लेंथ हमने 37 इंच तैयार रखनी है, तो 37 इंच हम तैयार रखेंगे और 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं पैंट कटिंग में। वो इतना होता है कि जितना हमने फोल्ड करना होता है, तो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब हमें जो इसका आसन है और जो इसकी हमने चौड़ाई रखनी है, मैं उसका तरीका आपको बताऊंगी। ये जो हम इसकी जो चौड़ाई लेते हैं, वो चौड़ाई हमें हमारी जो हिप होती है उसके हिसाब से लेते हैं इसकी चौड़ाई। तो इसकी हिप है जो वो 41 इंच है, तो 41 इंच का हमें चौथा हिस्सा करते हैं, तो उसका चौथा हिस्सा 10.25 हो गया। थोड़ा है बिल्कुल कम है, लेकिन 10.25 मान के चलो, तो 10.25 हमने इसका चौथा हिस्सा यहाँ पर ले दिया। और 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, ये हमारी चौड़ाई का जो फॉर्मूला है वो हो गया। अब हम जो इसका आसन का मेजरमेंट लेते हैं, वो हम जो हमारी बेल्ट होती है जो हम जहाँ पर बांधते हैं वो बेल्ट, उसका चौथा हिस्सा लेकर 1.5 इंच प्लस करते हैं। तो इनकी जो बेल्ट है वो 39 इंच है, तो 39 में हम फिर से चौथा हिस्सा करेंगे। और जब हम चौथा हिस्सा करते हैं तो 1 इंच इंची टेप को हम बाहर निकाल देंगे, तो इसका चौथा हिस्सा जैसे कि बेल्ट 39 थी, तो इसका चौथा हिस्सा 10 × 44, 10 से बिल्कुल थोड़ा सा कम होगा। ये हमने जो इसका चौथा हिस्सा रखना था वो 10 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये यहाँ पर इसका 1 इंच वापस घटा करके यहाँ से 10.25 पर हम निशान लगा लेंगे, और 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हमने इसलिए लगाया था, ये पहले हमने किसी को बताए थे निशान लगाकर, ये पहले वाले निशान को मत देखो, तो ये हमने ये आपको दिखाई नहीं देंगे इसलिए इस निशान से लगा देते हैं। अब हमने इसका टोटल देखना है कितना हो गया, जैसे कि यहाँ से ये 11 इंच के करीब हो गया 10.25, तो यहाँ से भी हमें 10.25 पर ही निशान लगाएंगे और इसको सीधा स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ से ये हमने सीधा स्ट्रेट कर दिया है। अब हम यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यह है यो 2.5 इंच लेते हैं लगभग, लेकिन जो थोड़ी सी हेल्दी होती है हम उसका ज्यादा भी ले सकते हैं, तो ये थोड़ी सी हेल्दी, इसका हम 2.5 यहाँ से क्रोच एरिया लेंगे। जो कई बोलते हैं कि यहाँ से हमारी पेंट है वो उठती है, मतलब एक साइड से हमारी पैंट ऊपर की तरफ उठती है, तो ये सब हमारी यहाँ की वजह से कमी होती है जो हमें आसन बड़ा छोटा या क्रोच एरिया में गड़बड़ करते हैं। हमने इसकी जो ये राउंड शेप है वो कुछ इस तरह से देनी है यहाँ से। कई क्या करते हैं कि यहाँ से इसकी जो राउंड शेप है यहाँ से बिल्कुल मिला के दे देते हैं, इससे हमारी पैंट में दिक्कत आती है, तो हमें ये शेप यहाँ से नहीं, थोड़ी सी इस तरह से देनी है। अगर आपको फिर भी समझना है तो हमें ये आइडिया लगा लेना, जितना हमने यहाँ से चौड़ाई ली है उतनी ही हम यहाँ से ले लेंगे और इसके साथ इसको मिला देंगे। तो ये हमारा निशान यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको ये निशान लगाना बताऊंगी, इससे पहले एक बार जैसे कि ये देख लेना हमने इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई जैसे कि यहाँ से हमने एक बार ये सीधे स्ट्रेट कन्नी कन्नी उतार दी थी, तो इसकी चौड़ाई हम देखेंगे, ये जैसे कि हमारा ये हो गया 14.5 इंच का चौड़ाई। हम ये जो चौड़ाई इससे जो क्रोच एरिया लिया था इसको लेके जब मापेंगे, तो ये हमारा इसका हाफ सेंटर देखेंगे, तो ये 7.25 हो गया, तो हमने 7.75 पर निशान लगा लेने हैं।
ये यहाँ पर भी 7.25 पर हम निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर जो मोरी का हमने निशान लगाया था उस पर भी हम 7.25 पर निशान लगा लेंगे। अब हमने बीच में या तो सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, लेकिन ये ज्यादा निशान हो जाएंगे इसलिए मैं नहीं कर रही। तो इससे हमने ये सेंटर से ही हमने अब बाकी के सारे निशान लगा लेने हैं। अब हम जो मोरी का निशान लगाएंगे वो मोरी जिसने जितनी रखवानी होती है उस हिसाब से रखनी है। तो हमने इसकी मोरी 6.5 इंच तो तैयार रखनी है, इसलिए हमें 3.5-3.5 इंच दोनों तरफ से निशान लगाएंगे। 3.5-3.5 इंच के निशान लगा लेने हैं, और उसके बाद हम जो सेपर पट्टी आती है मार्केट से, ये सस्ती मिल जाती है 25-30 रुपए की, तो हमें ये ले लेनी है और इससे इस निशान को इस तरह से शेप दे देनी है। और सेम इसी तरह से हमें जो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी इस तक, इसको भी ऐसे ही शेप दे देनी है। ये हमने दोनों तरफ निशान लगा दिए हैं। एक जो हमारी ये फट्टी जो सेपर पट्टी आती है, ये थोड़े ही अलग साइज में आती है, जैसे कि एक ज्यादा राउंड शेप में है और एक कम राउंड है। तो जो हमें ज्यादा फिटिंग वाली जो पेंट मांगते हैं उस पर हम ज्यादा राउंड वाली फट्टी यूज करते हैं, और जो थोड़ी हल्की फुल्की लूज मांगते हैं उस पर हम ये कम शेप वाली फट्टी यूज करते हैं। इसलिए हमारे पास ये दोनों ही होनी जरूरी है। अब मैं आपको इस कटिंग करके बताऊंगी। 3 इंच हमने ये मोरी का निशान जो लगाया था वो है जो हमारी फोल्ड होगी, और ये हमने सारे बाकी के निशान लगा लिए हैं। अब एक जो प्लेट पड़ती है आगे पेंट में वो हम निशान लगाएंगे, जो हमने 7.25 का निशान लगाया था। ये जो हमने 7.25 के निशान लगाए थे उसके ऊपर से हम प्लेट का निशान लगाएंगे। प्लेट का निशान हमें 5 या 5.5 इंच पर लगाते हैं। जो ज्यादा हेल्दी होती है उसका हम 5 पर लगाते हैं, और जो थोड़ी कम होती है उसका हम 5.5 तक ले लेते हैं। तो इसका हमने 5 इंच पर प्लेट का निशान लगा लेना है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हमने एक हल्की सी, जब मैं कटिंग कर तब ध्यान आया, तो हल्की सी ये शेप और दे देनी है राउंड शेप, ताकि इससे हमारी ये कोण ना बने और राउंड शेप बिल्कुल सफाई से आए। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये हमने फ्रंट हिस्सा कट करके बैक कपड़े के ऊपर बिछा लिया है। अब हम फ्रंट काट दिया है, बैक हिस्सा आपको काट के बताएंगे। ये हमने जैसे कि ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा रख के कपड़ा बैक वाला नीचे की तरफ बिछा लेना है, और हमने जो नीचे मोरी का निशान लगाया था वो भी कपड़ा इस तरह सेंटर में बिछाना है, जैसे कि हमने उसका 1.5-1.75 इंच लिया था। तो यहाँ से भी हम 1.75 इंच लेंगे और इस 1.75 के साथ ही इसको मिलाएंगे, नहीं तो हमारी पेंट घूमेगी। अगर बिल्कुल सीधी स्ट्रेट पेंट चाहिए तो हमें ये सेंटर जरूर मापना होगा। अब मैं आपको और निशान लगा के बताती हूँ। जैसे कि हमने ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा निकाल लेना है, हम बिल्कुल पतली है तो उसके हिसाब से 1.5 इंच भी ले लेंगे, तो इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा निकाल लेना है। और अब 2.5-2.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें ये ले लूंगी, और जो क्रोच एरिया है हमारा वो मैं यहाँ से 3 इंच का लूंगी। ये हम सारे निशान थोड़ा सा हेल्दी बंदे के लिए लगा रहे हैं, हम इसका कम ज्यादा भी ले सकते हैं। वही फिर हमने राउंड शेप यहाँ से इस तरह से दे देनी है, बिल्कुल यहाँ से नहीं देनी। अब मैं इसको जो हमने ये निशान लगाया था इस तरह से यहाँ तक बिल्कुल सीधा रखना है, 2.5 इंच एक्स्ट्रा 2 इंच ऊपर। और अब इस निशान के साथ जो हमारा ये कॉर्नर है इसके साथ यहाँ तक कॉर्नर तक इसको मैं मिला दूंगी। अब नीचे से हमने यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा, और जो इसका हाफ पार्ट होता है यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और ऊपर जितना हमारा ये क्रोच एरिया लिया हुआ है उसमें हमें इसको मिला देना है। अब मैं ये निशान इस तरह से लगाऊंगी, यहाँ तक हमने इस तरह मिला दिया, और अब आगे से थोड़ा और यूज कर देंगे। अब मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। इसलिए हमने कटिंग करनी है वो हमने यहाँ पर से बिल्कुल बराबर बराबर लेना है जितना हमारा ये कपड़ा है फ्रंट हिस्से का, लेकिन जो बैक हिस्से का कपड़ा है वो हमने अलग से जो निशान लगाए हैं वहां से ही कट करने हैं।
जैसे कि यहाँ से इस तरह से साथ साथ कटिंग करनी है, और यहाँ से हमने जो ये निशान एक्स्ट्रा लगाए थे इसको कटिंग करते हुए चलना है। ये हमारा इस तरह कट कर तैयार हो जाएगा। ये हमारी पेंट कट करके तैयार हो गई है। यहाँ पर हमने टुक लगा लेने हैं ताकि फोल्ड करते हुए हमें दिक्कत ना आए, और एक जो कट है वो हमें जो प्लेट के निशान लगाए थे वहां पर लगा लेने हैं। ये प्लेट हमने कुछ इस तरह से डालनी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज कमेंट में बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।